जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली डिस्कशन दो पॉइंट पर होगी। एक तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस लगता है नीचे जा रहा है, इसके बारे में बात होगी। प्राइस कहाँ तक नीचे जा सकता है और कितना नीचे जाएगा तथा कहाँ तक ये जाकर प्राइस फिर सपोर्ट लेगा और वहाँ से फिर प्राइस ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ये होगी पहला चीज़। और दूसरा जो डिस्कशन होगा, कंपनी का अभी हाल ही में राइट इशू ओपन हुआ है। ये राइट इशू के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि राइट इशू क्या होता है, कब से ओपन हो रहा है, कब खत्म होगा, कब मतलब इशू क्लोज होगा, आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यदि अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यदि आपको अप्लाई करना है तो उस अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से इसमें अप्लाई करते हैं, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तब भी और नहीं है तब भी, क्योंकि आपका यदि इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कभी ना कभी तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे इस स्टॉक में, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। तो समझिए, सबसे पहले हम लोग ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो राइट इशू ओपन हुआ, उस राइट इशू के बारे में संपूर्ण डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले समझिए राइट इशू होता क्या है। राइट इशू नाम से स्पष्ट है कि इस पर राइट्स है। किसके राइट्स है? जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनका राइट्स है इस जो राइट इशू ओपन हुआ है उस पर। राइट इशू में क्या होता है, कंपनियों को यदि पैसों की जरूरत होती है तो कुछ पैसा जुटाना चाहती है, इसके लिए कंपनी राइट इशू लेकर आती है। अब पैसे जुटाने के और भी तरीके होते हैं, जैसे IPO होता है, FPO होता है, लेकिन राइट इशू आता है। IPO तो एक ही बार आता है, उसके बाद में जरूरत पड़ती है तो FPO फिर आपको राइट इशू कंपनियां लेकर आते हैं, तो अभी राइट इशू आया हुआ है। अब इस राइट इशू में क्या होता है, कंपनी अपने जो मार्केट प्राइस है, जैसे मार्केट प्राइस में देखेंगे 4.5 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, और राइट इशू में कंपनी कुछ शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को बेचती है मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे। जैसे इसके लिए जो प्राइस रखा गया है 3.25 रुपये के हिसाब से रखा गया है, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स जब जाहिर सी बात है मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे मिल रहा है तो कोई भी व्यक्ति बाई करना चाहेगा, इससे उसका एवरेज प्राइस कम हो जाएगा, और एवरेज प्राइस जितना कम हो उतना बढ़िया होता है, आप भी जानते हैं। इसलिए राइट इशू में आपको अप्लाई करना चाहिए। नहीं अप्लाई करेंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसके लिए रिकॉर्ड डेट जो रखा गया था, आपके लिए रिकॉर्ड डेट था इसमें 23 फरवरी, यानी कि 23 फरवरी से पहले तक जिस व्यक्ति के पास इस कंपनी के शेयर्स थे ग्लोब टेक्सटाइल्स के, सिर्फ वही व्यक्ति एलिजिबल होगा राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। उसी के डीमैट अकाउंट में जो RE शेयर्स हैं अभी आए होंगे, बाकी के जो 23 फरवरी के बाद बाई किए उनको RE शेयर्स नहीं मिले होंगे। अब जिसको RE शेयर्स मिल गए हैं वो ध्यान से समझेंगे, ये राइट इशू ओपन हुआ है 6 मार्च से और ओपन रहेगा आपको 15 मार्च तक। लेकिन जो जिन लोगों के पास राइट इंटाइटलमेंट्स शेयर हैं, जिनको RE शेयर्स मिले हैं, वो आज 12 मार्च से आज ही इस कंपनी के शेयर्स को RE शेयर्स को बेच दीजिएगा यदि आपको अप्लाई नहीं करना है तो। और यदि आपको अप्लाई करना है तब इसको सेल मत कीजिएगा और 15 मार्च के पहले पहले इसमें आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। यदि नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो RE शेयर्स है वह 15 मार्च के बाद आपको ऑटोमेटिक आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। यदि आपको अप्लाई नहीं करना इस राइट इशू में तो जो RE शेयर्स आपको जितने भी मिले हैं, क्योंकि ग्लोब टेक्सटाइल्स का जो राइट इशू ओपन है, राइट इशू के लिए जो इसमें रेशियो रखा गया है वो रखा गया है 1:1 का। 1:1 कहने का मतलब यदि आपके पास एक शेयर है तो आपको एक एक्स्ट्रा शेयर्स मिला होगा राइट इशू का। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जिसमें मैंने बताया 15 मार्च तक समय है, जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, और नहीं अप्लाई करना होगा तो आप इसको जरूर सेल कर दीजिएगा। 12 मार्च आज के डेट तक लास्ट समय है सेल करने का, नहीं तो ये RE शेयर्स आपको जीरो हो जाएंगे। अब ये जो राइट इशू आया है, इस राइट इशू के जरिए कंपनी फंड कितना जुटाना चाह रही थी यह भी जान लीजिए, तकरीबन 50 करोड़, 50 करोड़ से थोड़ा कम ही है, इतना कंपनी फंड रेज करना चाहती है, और ये फंड कंप्लीटली यूज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, बिजनेस को ग्रो करने में। तो इससे क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा, और जो लोग बाद में इस कंपनी के शेयर्स को बाय करेंगे उनको तो बेनिफिट होगा ही, क्योंकि कंपनी अपने पैसों को सही इस्तेमाल करने जा रही है। दूसरी चीज ये, यदि आप देखेंगे तो 15 मार्च आने में कोई ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो ये कंपनी तकरीबन आप देखेंगे तो 1.0.15% आपको सब्सक्राइब होते हुए दिखा है राइट इशू। हालांकि छोटी कंपनी है तो इसमें इस सब्सक्रिप्शन को लेकर कोई बहुत बड़ा आपको ऐसा नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया IPO की जैसा, ऐसा राइट इशू में तो खैर ओवर सब्सक्राइब बहुत कम ही होता है, लेकिन यदि बड़े कंपनियों का जो राइट इशू होता है तो उसमें लगभग लगभग पूरा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। खैर कोई बात नहीं, 0.15% ये भी ठीक है, और 15 मार्च तक समय है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं सामान्यतः लास्ट में ही पूरा सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए यदि आप इसमें अप्लाई कर देते तो आपको ये शेयर्स कब मिलेगा, ये मिलेगा आपको आपके शेयर 26 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा, और 29 मार्च से ये शेयर्स ट्रेड करने लगेगा, क्योंकि इसका जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग तो पहले ही हो जाएगा, 19 मार्च को लिस्टिंग हो जाएगा, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होने के बाद पूर्ण रूप से ये NSE को ट्रेड करेगा 29 मार्च से। और ध्यान देना है कि ये सिर्फ और सिर्फ NSE पे ही इसकी लिस्टिंग होगी, क्योंकि ग्लोब टेक्सटाइल्स जो कंपनी है ये सिर्फ NSE पर लिस्टेड है, BSE पर लिस्टेड नहीं है। तो ये तो हम लोग समझ गए जो राइट इशू है उसके सारी डिटेल्स को समझ गए। अब समझिए प्राइस क्यों नीचे आ रहा है। तो सामान्यतः जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो कॉर्पोरेट एक्शन के बाद प्राइस में थोड़ी सी कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिलती है, तो वही इसमें अभी तो इसमें खैर कंसोलिडेशन ही चलने को देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे 4 रुपये से लेकर 4.5 रुपये के बीच में कंपनी का प्राइस आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा।
अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस ये जो दोनों लाइन है 4 रुपये से लेकर 4.5 रुपये, इसके बीच में प्राइस जिधर ब्रेकआउट करता है उसके हिसाब से आपको तैयार रहना होगा। प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो जो लोग प्रॉफिट होंगे, जो लोग यहाँ पे उठाए होंगे, वो प्रॉफिट बुक करना भी चाहे तो कर सकते हैं इसमें अप्लाई करने के बाद, या लॉन्ग टर्म के निवेशक तो बेशक बने रहे, क्योंकि सामान्यतः चांस होता है ब्रेकआउट होने का जब भी कोई स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन में होता है, तो जब इससे बाहर निकलेगा प्राइस तो ऊपर की तरफ ही जाएगा और फिर आपको इजीली 5 रुपये तक का टारगेट दे देगा, और फिर 5 रुपये के ऊपर निकला तो लंबा ब्रेकआउट इस स्टॉक में आपको होते हुए दिखेगा। तो घबराना नहीं है, प्राइस देखिए नियर बाय टर्म में तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, इसको लेकर चिंता मत कीजिए। मेन फोकस कीजिए कंपनी के बिजनेस, कंपनी का क्या काम करती है और लॉन्ग टर्म इसका विजन कैसे रहने वाला है। तो ग्लोबल टेक्सटाइल जो सेक्टर से बिलोंग करती है, सेक्टर काफ़ी पावरफुल है, सेक्टर में ग्रोथ आगे भी रहेगा और उस सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उसमें भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ग्लोब टेक्सटाइल्स में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो बेशक आप इसमें समय दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आ रही होगी। मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन, कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।